आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी जरूर दबाएं, इनका कोई चार्ज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफ़र में मैं आपको ले चलूँगा हरियाली देवी के दर्शन कराने, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के मैगोटे गांव में स्थित है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैकोटे गांव के शीर्ष पर स्थित सुंदर माँ हरियाली देवी का मंदिर है। वैसे तो माँ हरियाली का मुख्य पौराणिक मंदिर जो कि जसौली गांव में स्थित है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैकोटे गांव के हरियाली देवी मंदिर की। इस मंदिर में पहुंचने के लिए सड़क से करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हम भी हरियाली देवी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। चीड़ के जंगलों के बीच से होते हुए भक्त दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रास्ता बहुत सुंदर और चीड़ के पेड़ों के बीच बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सच में स्वर्ग में आ गए। थोड़ी सी चढ़ाई तो है लेकिन थकान नहीं। यहाँ की सुंदरता देखते हुए थकान का पता नहीं चल रहा था। ठंडी हवा और चीड़ के पत्तों के बीच हवा की आवाज मानो कानों में कोई मधुर संगीत बजा रहा हो। यहाँ पर वन देवी है, इनको यहाँ की भाषा में एड़ी अचरी भी कहते हैं। भक्त लोग यहाँ पर पूजा करते हैं और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे, दिल में एक अलग सी उत्सुकता जग रही थी। अब हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं।
यहाँ पर देवी भागवत भी हो रहा है। गांव के सभी लोग मिलकर भंडारे की तैयारियां कर रहे हैं। पंडाल में देवी भागवत की कथा चल रही है। कथावाचक पंडित मुकेश वशिष्ठ जी कथा सुना रहे हैं। अब हम आपको हरियाली देवी के मंदिर में ले चल रहे हैं। मधुकैटव प्रमथनी व्यामाहिषोन्मूलनी या धूम्रीक्षण चन्नमुन्न मतनी या रक्तबी याचनी शक्ति सुमदैत्यदनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्वर सहिता मम पातु विश्वेश्वरी। मंदिर बिल्कुल पहाड़ी की चोटी पर और चारों ओर चीड़ के बड़े बड़े पेड़। सच में यह जगह स्वर्ग ही है। चलिए हम आपको मंदिर की पूरी परिक्रमा कराते हैं। उधर कथा चल रही है और इधर हवन की तैयारियां भी हो रही है। चलिए अब मंदिर के बारे में यही के लोगों से ही पूछ लेते हैं। आप तो हरियाली माता की महिमा का संबंध में बता दूं कि हमारा पूर्वज ना जो हम तें बतलाए और जो हम तें ज्ञान छ धनपुर पट्टी में वखमू ये हरियाली माता को आदि स्थान छो और वख को आचार्य पद मई को टिकर ब्राह्मणू छो। तो कुछ समय पल्ली अनु तक है कि एक महायज्ञ को आयोजन हुए जे माँ भैर का बहुत काफ़ी विद्वान तक पहुँचा और तो विद्वानों माँ ये हुए कि भाई यखमू जो माता को जो यज्ञ मंडप थे जो यज्ञ कुंड थी सो कख मुँह लेकिन वो लोग तय से प्राप्त नहीं हो सके। अंत माता को वो ये निर्णय करे कि भाई आप मईकोटी गाँव आ जाओ और मईकोटी गाँव को कोई भी बुजुर्ग ब्राह्मण हो ते तय ये पूछा कि कख मुँह चिर तय ब्राह्मण यख देगा। तो यख मुँह जो हरियाली माता को जो पूजा वन छे या पद्मावती का रूप माँ गाँव माँ वन छे कुछ संयोग यन बने केवल तक मो एक वृद्ध ब्राह्मण ही तक था तो लोग उन से आग्रह करें कि पंडित जी ये निवास थे और आप हरियाली माता चला लेकिन से चरण में असमर्थ था लोगों का काफ़ी आग्रह करने पाते तो तक ली गया। तो दैव शक्ति और माता की शक्ति से जनी जो छ जब से वृद्ध ब्राह्मण से लीजिए हरियाली मंदिर में पहुँचा तो दैव योग और माता की शक्ति से तो की शक्ति जागृत हुए और वो एकदम ही वखमु यज्ञ कुंड को पता बताए और जब पता बताए तो आचार्य वरण केवल तो ही तय दिए गए। जब फिर वापस आना था तो माता की यही कृपा थे कि तोंगे पगड़ी माँ जो छे तक का यज्ञ का जो जो पढ़िया छाया सितों के पगड़ी माँ पढ़िया छा भगवती को जो मंदिर प्राचीन काल से हमारे गाँव माँ बजू छे पद्मावती को तक मुँह तोना पर पगड़ी बिछाए थे वही पगड़ी माँ से क्या जोखदा एक त्रिशूल जो छे वखमू जो छे उत्पन्न भेगी तोंगे पगड़ी माँ तो श्वेत त्रिशूल रूपी हरियाली माता को प्रसाद देते हैं तो स्वप्न माँ जागृत हुई कि भाई आप इनके कई ऊँची धार माँ जख्मू मेरी नज़र जो हरियाली माता पर पड़ पार धनपुर पट्टी की हरियाली माता माँ छमणियों डाणू दिखणु और ये डाण माँ यखमू जब से आया तो देखे यखमुड़ी माता हरियाली को मंदिर साफ दिखणु तो के करे अपने से त्रिशूल उठे तो जो यखमू स्थापित करे। तब से
हम लोग हर साल हर तीर्थ स्थल पूजा यखमू कदा यखमू यज्ञ होंगे और एक साल जो माता वैष्णवी जो हमारी कुलदेवी चे पद्मावती हम तखमू कदा दूसरे साल हम यखमू कदा। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ओम भूत स्वाहा इदम अग्निये नमः ओम भूत स्वाहा इदम वायुवे नमः ओम स्वा स्वाहा इदम सूर्याय नमः एता महावृत्याः हरि ओम यथावाणम तहारणम कवचम वारुणम भवेत् पंचगव्यकवचम यथावाणम तहारणम कवचम वारुणम भवेत् तद्दत् देव गातानां शान्तिर्भवति वारुणम। देखे पंचगव्य लिया जाए यार जा तो इस जगह की एक खास विशेषता है। यहाँ पर एक मिश्रित वन के रूप में इसको विकसित किया गया है। दाईं तरफ गर्म जलवायु है और बाईं तरफ ठंडी जलवायु के पौधे हैं। हर प्रकार के पौधे यहाँ पर मिलते हैं। इसका रखरखाव पद्मावती मंदिर समिति माइकोटी करती है, जिसकी और प्रतिवर्ष इसमें जब भाद्रपद में यज्ञ होता है तो यहाँ पर वृक्षारोपण होता है। इस मंदिर का पुनः निर्माण का श्रेय स्वर्गीय श्री भवानी दत्त वशिष्ठ जी को जाता है, जिन्होंने पूरी श्रद्धा और भाव से इस जगह का पूरा निर्माण कराया। माइकोटे गांव के सभी लोग, बूढ़े हो या बच्चे, सब श्रद्धा भक्ति से मंदिर की सेवा में लग जाते हैं। अब कथा संपन्न हो गई है। सब लोग भंडारा खाने के लिए जा रहे हैं। पूरे गांव वाले बड़े प्यार से दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को खाना खिलाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।